अरे सोनू, 5 किलो बासमती चावल और 2 किलो तुअर दाल शर्मा जी का पैक कर दो। नमस्ते श्याम भाई, और दुकान कैसी चल रही है? नमस्ते राजेश सर, सब बढ़िया है। आपका और भारत सुपर शॉप वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। बैठे बैठे दुकान में बिना किसी परेशानी के लोन मिला और मेरा कारोबार चल पड़ा। चलो बढ़िया है। वैसे श्याम जी, आप भारत सुपर शॉप का QR कोड तो इस्तेमाल कर रहे होंगे? इससे तो मुझे काफी फायदा हो रहा है। सारे पेमेंट सीधे मेरे अकाउंट में आती हैं। साथ ही वो कस्टमर जो ऑनलाइन ही पेमेंट कर पाते थे, अब वो मुझसे जुड़ गए हैं। बस एक परेशानी है, पैसे कैसे निकालूं? क्यों श्याम भाई, क्या हुआ? आपका जीरो बैलेंस करंट अकाउंट खुलने के साथ ही जो आपको तत्काल किट मिली थी, उसमें 3 जरूरी चीजें थी। आपका डेबिट कार्ड, कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए QR कोड और मोबाइल बैंकिंग पासवर्ड होगा। ये सब आपने चेक किया था ना? हाँ राजेश सर, तीनों चीजें मिल गई हैं। समस्या वो नहीं है, अब आपको क्या बताऊं? मुझे ATM कार्ड इस्तेमाल करना नहीं आता। क्या आप मेरी ATM कार्ड से पैसे निकालने में मदद करेंगे? श्याम जी, बस इतनी सी बात, हम तो हैं आपकी सहायता के लिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। सबसे पहले तो आपके बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, चाहे वो आपका डेबिट कार्ड नंबर हो, उसका पिन हो या OTP कोड, आप कभी भी किसी हालत में किसी के साथ शेयर ना करें, मेरे साथ भी नहीं। और एक बात और, आपकी पैसों की सुरक्षा के लिए ये भी बतला दूं कि कभी भी किसी SMS या WhatsApp से आए हुए मैसेज के अंदर जो लिंक हो उस पर क्लिक ना करें। सबसे पहले उसके बारे में जान लें कि वो आया कहाँ से है, हमारे बैंक की तरफ से या फिर किसी अनाधिकृत सोर्स की तरफ से। अच्छा, इसका मतलब ऐसा कोई भी SMS या WhatsApp मैसेज जिसका कोई सोर्स का पता ना हो और जिसकी वैधता ना हो, ऐसे किसी भी SMS या WhatsApp मैसेज पे आए हुए लिंक पे क्लिक करने से पहले ये जान लें कि वो आया कहाँ से है। इसके लिए आप अपने रिलेशनशिप ऑफिसर या फिर भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जरूर पता करें। ये तो बहुत बढ़िया है सर। जाने अनजाने ऐसी गलतियों से आपके बैंक अकाउंट के साथ फ्रॉड हो सकता है। एक गलती आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है। बहुत सही कहा आपने, मैंने भी ऐसे बहुत सारे फ्रॉड के किस्से सुने जिसमें कस्टमर अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपने सारे पैसे खो बैठते हैं। भरत भाई, आप यहाँ कैसे? अरे मैं तो आप लोगों की बात सुनकर चला आया। कभी भी अपना डेबिट कार्ड और उसका पिन किसी के भी साथ शेयर न करें, ना ही इस्तेमाल करने दें। ऐसा करना फ्रॉड को निमंत्रण है। जैसे कि आबेल मुझे मार, और वैसे भी श्याम भाई, आजकल डेबिट कार्ड से पैसे निकालना बहुत आसान हो गया है। आप कभी भी सीख सकते हैं, वो भी आसानी से। वैसे श्याम भाई, इन्होंने आपको बहुत अच्छी सलाह दी। आप इन्हें तो जानते ही होंगे, ये हैं हमारे भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड से जुड़े भारत सुपर शॉप के अधिकारी, जिन्होंने मुझे मेरे कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए रिटेलर लोन दिलवाया है। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। डोर स्टेप बैंकिंग भी और अच्छी सलाह भी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे पता है क्या करना है। अरे सोनू, तू दुकान का ख्याल रखना, तब तक मैं ATM होकर आता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। चल चल ठीक है, ध्यान रखना है दुकान का। आप सभी को याद दिला दो, इंडसइंड बैंक के जीरो बैलेंस करंट अकाउंट खुलवाने पर मिलने वाली तत्काल किट की जांच जरूर कर लें। इस तत्काल किट में आपकी 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, इंडसइंड बैंक और भारत सुपर शॉप के नाम वाला QR कोड और मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड। और ये तत्काल किट पूरी तरह सील हो तभी उसे स्वीकार करें। और हाँ, एक और जरूरी बात, अपने डेबिट कार्ड और उससे जुड़ी कोई भी जानकारी किसी के भी साथ शेयर न करें। इतना ही नहीं, डेबिट कार्ड का पिन पहले इस्तेमाल में ही चेंज करें और समय समय पर भी डेबिट कार्ड का पिन जरूर चेंज करते रहें, ताकि किसी भी तरह के पैसों के फ्रॉड से बचा जा सके। जानकारी में ही है समझदारी। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें।